हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज है होली अष्टमी और दिन है मंडे। तो आज का व्रत है और मंडे का भी रहता है मेरा, लेकिन मंडे का नहीं किया इस बार। तो जैसे होली अष्टमी का किया है, ये तो साल में एक ही दिन आता है। मंडे का तो हर हफ्ते आता है। और नहा लिया मैं, नहा तो सुबह ही लिया था, मंदिर गई थी तब। और आज जल्दी उठी थी, भैया स्कूल गया था तो उसका स्कूल खुल गया है। और तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और सबकी बहुत अच्छे से रहे। एक मिनट, कोई आया तो मम्मी आवाज़ मार रही थी, सब्जी वाला रखा था कि क्या लेगी सब्जी, कुछ पूछ रही थी। तो वही मैं कह रही थी, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके बच्चे भगवान ठीक ठाक रखे, सबके राजी खुशी रखे। और ये बच्चों का ही व्रत होता है भाई, जिसके बच्चे होते हैं ये वही लोग रखते हैं व्रत। और किस किस के यहाँ होता है कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो होता है, और होता भी क्या, दोपहर तक का ही होता है। फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं कहानी सुनने के बाद, पर सुबह से कुछ भी नहीं खाते। अब जैसे कहानी सुनेंगे 12-1 बजे 2 बजे जैसे भी जिस टाइम, फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं। कई लोग तारे को देख के खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खा लेते हैं। तो हम शुरू से ही मम्मी ने ऐसे कराया था, तो फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन सी साड़ी निकाली आज जो मैंने पहनने के लिए। ये वाला तो पीलिया, पीलिया डालते हैं ना जैसे इस वाले व्रत में, पीलिया उड़ते हैं ऊपर से, तो मैंने पीलिया निकाल लिया है। और ये येलो कलर की साड़ी है, तो ये मेरी न्यू साड़ी है। और ये है पीलिया, इस पर रेड ब्लाउज चलेगा, येलो साड़ी है। और सेट ये उस दिन वाला ही पहनूँ क्योंकि इस पर रेड ही अच्छा लगेगा, क्योंकि रेड ही इस पर कहीं कहीं काम हो रखा थोड़ा सा, और रेड ही ब्लाउज है। तो अभी तो नहीं, बाद में तैयार होंगी। फिर मैं ऊपर आई थी झाड़ू पोछा करने, तो मैंने निकाल दिया था। और ये देखो, मैंने अपना कड़ों का सेट बनाया चूड़ियों का, तो बीच में रेड कड़ा लगाया है और फिर गोल्डन, फिर रेड, तो ये भी इस पर अच्छा लगेगा। और आप बताना कैसा लग रहा है। तो ये मैंने कड़े भी निकाल लिए और साड़ी भी निकाल ली, पीलिया भी। और ये शिफॉन की साड़ी है, बहुत हल्की सी है। तो अभी आ गई मैं नीचे किचन में, और अभी बनाऊंगी मैं सब्जी। सब्जी रात को ही कट करके रख दी थी हमने, क्योंकि कोई काटने वाला नहीं था। तो फिर काटते नहीं जब तक काने वो नहीं करते वर्त वाले, तो ये रात में ही काट के रख दी थी। आलू वो भी मैंने पानी में भिगो के, और अब छोंक देती हूँ, आटा लगा के रख दूँगी, फिर उसके बाद तैयार होंगे। रोटी तब खाएंगे, तब बना लेंगे जब व्रत खुलेगा, जब पानी करेंगे। और अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी। तेल डाल दिया मैंने कुकर में, गर्म हो गया है, हींग डाल देती हूँ। और काटते नहीं इस दिन, यहाँ पे नहीं काटते, मेरे मायके में तो काट लेते हैं, पर यहाँ मम्मी ने शुरू से ही नहीं कटवाया था, और ना खुद काटती थी ना मेरे से कटवाती थी। तो अब मैं इसलिए काटती नहीं, क्योंकि फिर मन ही हो जाता है कि कुछ कर लो, फिर कोई बात हो ही हो सोचेंगे हमने ये कर लिया था, तो इसलिए फिर मैं अब काटती नहीं। कोई घर में काटने वाला होता है तो काट उससे कटा लेते हैं, नहीं तो ये रात में ही कट करके रख दी थी मैंने सब्जी। और अभी बना लेती हूँ मैं सब्ज़ी, फिर उसके बाद मिलूँगी। और काम मेरा हो गया है सारा, बस सब्ज़ी बनानी और आटा लगाना रह रखा है। और तैयार होंगी मैं थोड़ी देर बाद। अभी मैंने साड़ी पहन ली है, और बताना आप कैसी लग रही है। देखो बैक कैमरे से दिखाऊं तो उसी समय दिखानी पड़ेगी, रुको एक मिनट। और मैंने अभी ये वाली झुमकी नहीं डाली है, कान लटक जाएंगे, थोड़ी देर में पहनूंगी। और मंगलसूत्र नीचे रखा है मम्मी के पास, तो अभी मैंने साड़ी पहनी थी। और देखो ये चूड़े का सेट बनाया मैंने, ये अलग अलग हैं, इकट्ठे नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो मैंने बना लिया है। अभी मैं शीशे में दिखाती हूँ, फिर मेरा बेटा आ जाएगा स्कूल से, तो फिर मैं वैसे दिखा दूँगी। तब तक एक बार इस शीशे में दिखा देती हूँ आप। देखो कैसी लग रही है, बताना आप कमेंट में। येलो साड़ी है, और पीलिया अभी डाला नहीं है, अभी जब कहानी सुनेंगे तब पहनेंगे। यहाँ पे मैं तैयार होके नीचे आ गई थी, और संजीव आ गया था स्कूल से, तो फिर मैं बना रही थी संजीव के लिए खाना। और चाची और अभी आई नहीं थी कहानी सुनने के लिए,
तो मैंने कहा ला पहले रोटी बना देती हूँ, आटा तो गूंद ही रखा था मैंने और सब्जी भी बना दी थी, तो मैं रोटी बनाने लग गई थी यहाँ पे। फिर मैंने साथ साथ तीनों की सेक ली थी, मम्मी की और अपनी भी सेक के रख दी थी और संजीव की भी बना दी थी। संजीव को डाल के ही दे दिया था खाना, वो साथ साथ खा ही रहा था और हमने बाद में खा लिया था जब कहानी हो गई। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और सबका मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो तू पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज यदि आप उस पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बातों पर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांगा है वह तुझे सब मिलेगा। जो कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। ये गणेश जी जैसे बुढ़िया माई को उनके मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी कहानी वानी हो गई थी, पूजा जो भी होती है हमारे यहाँ वैसे कर लिया था और फिर मैंने चाय बनाई थी सबके लिए, चाची और बैठे थे और वो खाते हैं शाम को खाना, मम्मी और मैं खा लेते हैं दिन में खाना, तो हमने खाना खा लिया है। अब मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज, कान के तो मैंने निकाल दिए थे कि भारी थे, फिर इतनी देर में कान लटकने लग जाते हैं। और मेरा चूड़ा बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, तो आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। और अभी बस कर लेते हैं चेंज, तो कान वान के तो निकाल लिया, अभी अपना सूट पहन लेते हैं जो दिन में पहना हुआ था वही वाला, और चेंज कर लेते, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। और अभी टाइम हो रखा है 3:20 हो रखी है पूरी, मेरा बेटा फ़ोन देख रहा है और मैं भी थोड़ी देर फ़ोन देख लेती हूँ लेट के। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना और जो चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मिलेंगे एक अच्छे से लोग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।